बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है, ये जानकारी मिल रही है। जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है, अस्थायी तौर पर रोका गया। यानी कि जैसे ही मौसम साफ होगा, अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। श्रद्धालु जाकर भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया है। साहिल सोहेल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, जाहिर सी बात है, ऐसा फैसला यात्रियों की, जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, क्या हालात हैं अभी? जी हाँ, बिल्कुल, जो यात्री है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जो है प्रशासन ने ये फैसला लिया है, क्योंकि आज जो मौसम का विभाग है उन्होंने बताया है कि बालतल, शीशनाग, सनमक, पहलगाम और चंदनवारी में जो है तो पूरे दिन बारिश हो सकती है। तो इसलिए जो है फिलहाल पहलगाम रूट पे जो है अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, और फिलहाल जो यात्री है, श्रद्धालु है जो पवित्र गुफा की ओर आज बढ़ने वाले थे, उन्हें ये प्रशासन ने इजाजत नहीं दी ननमन के बेस कैंप से निकलने की। फिलहाल वहां पे बता रहे हैं तकरीबन 3 से 4 हजार के करीब यात्री ऑलरेडी वहां पे ननमन के बेस कैंप में है, जो कि एक पहाड़ी रास्ता है और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, और इस वक्त अगर बारिश होती है तो वहां पे और ज्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं यात्रियों के लिए। तो इसी कारण जो है प्रशासन ने ये फैसला लिया है। फिलहाल जो मौसम का विभाग है उन्होंने 12 घंटे के लिए ये जी तो 12 घंटे के लिए फिलहाल यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा 12 घंटे के बाद, उम्मीद है कि श्रद्धालु फिर से ऊपर जा पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हासिल। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ।